देश की चौथा निजी बैंक के नाम से यस बैंक को जाना जाता है। इस बैंक में करोड़ों लोगों का पूंजी जमा हुआ है। जबकि बैंक की हालत इतनी खराब हो गई है, तब लोगों का भरोसा बैंक के ऊपर से उठने लगा है। फिलहाल बैंक लोगों को उनकी रकम लौटाने में नाकाम रहा है। ऐसी हालत में पूरी जगन्नाथ मंदिर का 545 करोड़ रुपया, ओएमसी और ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन का करीब 700 करोड़ रुपया इस यस बैंक में जमा हुआ था। ऐसे हालत में रिजर्व बैंक का एक नया नोटिस राज्यवासियों को चिंता में डाल दिया है। इस नोटिस के मुताबिक यस बैंक का आईएफएससी कोड इस्तेमाल कर रहा देश का 54 निजी बैंक ग्राहकों से कोई भी चेक नहीं ले सकेगा। इसके साथ 54 बैंक के ग्राहक आरटीजीएस और एनईएफटी जैसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, जो कि 3 अप्रैल तक स्थगित रहने का नोटिस में जारी किया गया है। इस 54 बैंक में उड़ीसा का 22 निजी बैंक शामिल है, जिसमें उड़ीसा का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल है। इस बैंक में राज्य का गरीब किसानों का और छोटे व्यापारियों का राशि जमा रखा गया है। दूसरी ओर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के परिचालन निर्देशक देवेंद्र कुमार जेना को पूछे जाने पर वो कुछ बोलने को मना कर दिए। यहाँ सवाल उठ रहा है, उड़ीसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आम जनता की करोड़ों रुपया को लूटने का कोशिश तो नहीं कर रहा है? देखो दो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को राज्य सरकार एक मतलब खोरी मानसिकता रे दीर्घ समय धरी तार परिचालना करछु, तार पैसा पत्र को हड़प करिवारे दीर्घ समय धरी एकु तांकर ओएसबी रो जे आमर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रे एमडी थिले से पंडा ठारु आरंभ करिकी आमर प्रशासनिक अधिकारी मान सहित संपृक्त अच्छे 600 कोटी टंकार ऊर्ध या पूर्व गोटे दुर्नीति धरा पड़ा, किंतु या प्रति राज्य सरकार मानने सचेतन है ना। राज्य सरकार ई पैसा को मध्यस्थी माध्यम रे साधारण लोकंकर पैसा बेसिकली साधारण लोकंकर पैसा को खेलघर भाविक राज्य सरकार समवाय बैंक मानक जरिया रे गोटे खेलना भाविक तार मौज मजलिस रे मातिच सिटी तार मानसिकता राज्य सरकार नाही जे समवाय बढ़ू बा साधारण लोक चाषी ठार क्षुद्र चाषी क्षुद्र व्यवसायी मैंने उन्नति हूँ ओडिशार प्रगति रे मानसिकता नथिला। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रो पैसा से तांकर व्यक्तिगत पैसा बोली भाविके से अधिकारी मानकु धरिके काम करंती। आज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रो समस्त माने 22टा स्टेट कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एवं ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक केवल सेतिकी भी नुह ओडिशा रो हेल्थ मिशन ठारु आरंभ करी ओपेपा एवं समस्त परिचालित सरकार राज्य सरकार परिचालित ट्रस्ट समस्त राज्य सरकार परिचालित लाभकारी संस्था आमर जहाँ सब अच्छी ये सबूर पैसा को से यस बैंक रखी से येस बैंकर एजेंट साजिथ आम राज्य सरकार और तंकर किसी बड़ बाबू मैंने जहाँ परिणति आज आमको भोग पड़ी। देखो जो भाई भाव इन्हें देशर परिस्थिति एवं बैंक गुड़िक जो भाई भाव घोटाला एवं साधारण लोकटे जी तार नीतिदिन खर्च रु काटिक तार पैसा टे रखे भविष्य दरकार हम ए सबुतक केवल मात्र आम जो मैंने साधारण स्तर लोक आम मानक ही बाधुची जो मैंने बैंक रु खाई लुटिकी चली जाऊँच कि सरकार सुख निद्रा रे तेणु आमर ओएसबी हूँ गोटे सरकारी बैंक एटा ओडिशा सरकार अधीन एवं आज जगन्नाथ टंकार प्रसंग हो जगन्नाथ हुंडी पैसा दानर प्रसंग हो कि आम साधारण लोकंर प्रसंग हो ये सबू आम या बुझा जे आउ बैंक कहार विश्वास नाही एवं साधारण लोकटे जो चिंतार रखुला ताज निरापद नुहे तेणु आउपर आम कौन कह केवल ये बैंक नुह आप देखु आग को लंबा लाइन लगे ये गोटे बैंक नुहे बंधन बैंक हो आम एवं देख लु कॉर्पोरेशन बैंक हो ये सब बैंक गुड़िक आस्ते 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 देवाड़िया परिस्थिति आम मान पैसा तेल कौटी आम सुरक्षित रखा आम घरे रखिपर ना आमको एभलिया करागला जो महिला माने घरे भाविकी रखुले राति अधिया बदली करागला जे समस्ते कलाधन रखिंट कलाधन तथ्य केते भारत जनसाधारण पाइले आज समस्ते देखुं तेणु कलाधन ना रे कला को धड़ा करवा ए भारत बीजेपी सरकार गोटे नीतिदिनिया प्रसंग तेणु आपको आज आम कौ हिसाब से कौ लोक कौ भाई मुह देखे नवीन सरकार हूँ कि मोदी सरकार हूँ से मैंने जानवे कितु जो कथा जगन्नाथ टंका प्रसंग बड़ कथा येस बैंक महाप्रभु किभली भाव में कृपा देवे आम मान को किभली भाव में रक्षा करेंगे ये केवल जगन्नाथ ही बचे येस बैंक के साथ ट्रांजाक्शन करने वाला
देश में 51 बैंक अभी घाटा में है। इसके अंदर हमारा राज्य में 22वां बैंक, जिसमें उसका IFSC कोड यूज किया था, उसने अभी कस्टमर को उसका चेक क्लियर करने के लिए 4 अप्रैल तक टाइम मांगा है। इसलिए RBI ने एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में देश में यस बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करने वाला 55 बैंक को नोटिस किया है। उसका कस्टमर है, उसका बिजनेस पार्टनर कोई भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का चेक यूज नहीं कर सकते। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में देश भर फार्मर और उसके साथ जुड़े हुए लोगों का जो खाता धारक है वो अभी उसका चेक यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम उसका डायरेक्टर को मिलने के बाद डायरेक्टर ने ये सोल्यूशन दिया कि रिजर्व बैंक ने 4 अप्रैल तक टाइम दिया है, लेकिन हम 7 दिन के अंदर उसका ये जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालेंगे। कैमरा पर्सन जाकेश के साथ प्रदीप नायक, सनमार्ग, उड़ीसा।